अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज की लुक आप देख रहे हैं, बड़ा ही वायरल सा एक ये आईलाइनर है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। तो इस लुक को क्रिएट मैं आज करूँगी आपके साथ, कैसे आप ये एक ईगल टाइप आईलाइनर जो है अप्लाई कर सकते हैं बड़ी ही ईजी तरीके से। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। बेस वगैरह मैंने अप्लाई करी है, आईलाइनर नहीं, आईब्रोज तो मैंने बना लिए हैं, ठीक है। पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं सारी की सारी बेस की डिटेल्स, आज की वीडियो में नहीं है, पिछली वीडियोस पे आप चेक कर लीजिए। यह हयात ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का मैं ये हाइलाइटर ले रही हूँ, ठीक है, अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। बड़ा ही पिंक सा, ग्लिटरी सा, ये बड़ा खूबसूरत सा एक जो है हाईलाइटर है, ठीक है। इसको ब्राउ बोन पे मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि आज की लुक जो कि पिंक है, तो मैंने हाईलाइटर भी उसी से रिलेटेड लिया है। आपकी फेवरेट जो पैलेट है ग्लैमरस फेस पैलेट में से, मैं ये वाला आई शेडो ले रही हूँ। ब्रश आप देख रहे हैं मैंने कौन सा लिया है। अभी इससे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी, ऊपर तक इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ब्लेंड आपने करना है और थोड़ा सा आप देख रहे हैं बाहर की जानब लगाना है, ठीक है। चूँकि ये आईलाइनर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप जब एक दफ़ा दो दफ़ा देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस आईलाइनर को करने का, जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और आपके सामने ही कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड जो शेड लेंगे थोड़ा सा हम अपने आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए। और ये लुक जो मैं कर रही हूँ, ये जो मैं आईलाइनर लगाऊंगी, ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया, ये आपके सामने आज ट्राई होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, सोचा आपके साथ ज़रूर जो है शेयर करूँ। और उसके बाद मैंने क्या कर लिया है जी, अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद अब क्रीज को हम करेंगे कट। कोई सा भी आप जो है अपना आई का जो भी कोई प्राइमर आई की बेस ले सकते हैं, कोई आप फाउंडेशन ले सकते हैं, या कुछ भी आप ले लें जिससे आप अपने आई को क्रीज कर सकते हैं। कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ आई बेस ही हो, आप स्टिक भी ले सकते हैं। उसके बाद सेम पैलेट है, उसमें से ये शेड मैं ले रही हूँ, ठीक है जी। इस शेड को मैंने अप्लाई कर लिया है अपनी पूरी लिड पे, जहाँ से मैंने जो है अपनी क्रीज को कट आउट किया था। आप फिंगर से भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा शाइन उसकी अच्छी आएगी, जो कि मैंने बाद में फिंगर से भी लगाया था। उसके बाद हम इसको नीड करेंगे एजेस को। एजेस को नीड करना बहुत ज़रूरी है, एज इट इज़ आपने एजेस नहीं छोड़नी, वरना आपकी बहुत ही गंदी रफ सी लुक लगेगी। सेम आई शेडो मैंने लोअर लैश पर अप्लाई किया और उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ जी। ये है क्रायलॉन का एक्वा, आपने नंबर देख लिया है। इस तरह से आपने क्या करना, सीधे सकलाम जब लाइन ड्रॉ करेंगे उसको ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको मोटा कर लेना है, ठीक है। मोटा करेंगे इस तरह, आपने खड़ी लाइन जो है वहाँ पे ड्रॉ करनी है, उसको अंदर की जानिब आप कर देंगे अच्छे तरीके से जॉइंट, ठीक है जी। इस तरह आपको एक अच्छी सी जो है गाइडलाइन मिल जाएगी। फिर आपने इस तरह कर्व में आईलाइनर का जो है विंग निकालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टील किया है। उसके बाद आपने इसको फिल कर देना है, और फिल करने के बाद जो उसके नीचे वाले एजेस होंगे, बस उसको आपने हल्का सा स्लाइटली आपने उसको ब्लेंड कर देना है, और बड़ा ही अच्छा सा आपका जो है ब्लेंडेड सा आईलाइनर आपके पास आ जाएगा। फिर सेम हम जो है ब्लैक कलर का शेडो नीचे लोअर लैश पे भी लगा देंगे। उसके बाद अब ये देख रहे हैं अपनी क्रीज को मैंने मज़ीद डिफाइन करने के लिए ये वाला ग्लिटर अप्लाई कर लिया है रिवाज का। उसके बाद जो है इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ सेम ब्राउ बोन वाली हाईलाइटर से। उसके बाद जो है जी लगाना है मस्कारा। मस्कारा कोई भी आप अप्लाई कर लीजिए, और लोअर लैश पे और अपर लैश दोनों पे आपने मस्कारा जो है लाजमी अप्लाई करना है। उसके बाद हम लगा लेंगे जी लैशेज विंग के ऊपर, विंग लैशेज ही अच्छी लगती हैं, सो मैंने लैशेज लगा ली हैं, विंग सी लैशेज हैं। और स्वीट टच की थी जी ग्लू, और ये है ब्लश ऑन मिस रोज़ का, ये ब्लश ऑन है, आपने मेरी वीडियो में अक्सर ये ब्लश ऑन देखा होगा। सेम वही हयात ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का ये 02 नंबर, पिछली वीडियो में मुझसे लड़कियों ने पूछा था, ये नंबर है, यही मैंने सेम अपने जो है चीक बोन पे अप्लाई कर लिया। और हमने जो है वाटर लाइन पे मैंने ये वाइट कलर का स्वीट फेस का काजल अप्लाई कर लिया है। तो ये थी जी मेरी बड़ी ही ईजी सी लुक, हो आपको लुक आज की अच्छी लगी होगी। ये लाइनर बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, अब तो ब्राइडल के लिए भी ये लाइनर जो है बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, लड़कियों को बहुत पसंद आ रहा है। कुछ दिनों में इतना ये वायरल हो जाएगा कि हर दूसरी लड़की करना शुरू हो जाएगी जब तक कि वो प्रैक्टिस ना करे। सो प्रैक्टिस करने के लिए मेरी वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सब लड़कियों का जो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। और उन लड़कियों के लिए भी जो कि बस खामोशी से बैठ के देखती हैं, वो भी ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरी न्यू वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।